हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक किस तरह ऐड कर सकते हैं। इंसर्ट की टैब पे जाएंगे, देन आपको कॉर्नर में कवर पेज के साथ ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक के आइकन नजर आएंगे। इन दोनों का पर्पस एक ही है कि हमारे पास एक ब्लैंक पेज इंसर्ट हो जाता है। अगर आपने पेज से ऊपर किसी भी पेज से ऊपर कोई पेज इंसर्ट करना है तो आप उस पेज के टॉप पे कर्सर रखेंगे, और अगर आपने किसी पेज के बॉटम से एक नया पेज इंसर्ट करना है तो आप उस पेज के बॉटम पे कर्सर रखेंगे। जैसे कि ये मेरा पेज नंबर 1 है, मैंने इससे ऊपर एक पेज इंसर्ट करना है तो मैंने टॉप पे कर्सर रखा है। देन मैं ब्लैंक पेज पे क्लिक करूंगी तो आप देख सकते हैं कि मेरा ये पेज नंबर 1 जो है एक ब्लैंक पेज क्रिएट हो गया है, और जो मेरा पहले पेज नंबर 1 था वो अब पेज नंबर 2 हो चुका है। अगर मैंने इस पेज से नीचे एक ब्लैंक पेज क्रिएट करना है तो मैं उसके लिए बॉटम पे कर्सर रखूंगी, देन ब्लैंक पेज पे क्लिक करूंगी तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास पेज नंबर 2 के नीचे एक पेज नंबर 3 क्रिएट हो गया है जो कि एक ब्लैंक पेज है, और जो पहले पेज नंबर 3 था वो पेज नंबर 4 हो गया है। तो आप इस तरह ब्लैंक पेज क्रिएट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद बात करते हैं पेज ब्रेक की। सपोज मेरे पास जो पेज नंबर 5 और 6 है, इनके दरमियान मैंने एक पेज ब्रेक देना है। पेज ब्रेक का मतलब ये है कि आप दो पेजेस के दरमियान एक ब्लैंक पेज इंसर्ट करके ब्रेक देना चाहते हैं। देन मैं पेज नंबर 5 के बॉटम पे कर्सर रखूंगी और पेज ब्रेक पे क्लिक करूंगी। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं पेज नंबर 5 और पेज नंबर 6 के दरमियान जो है वो मेरे पास एक ब्लैंक पेज इंसर्ट हो चुका है। देन आप इस ब्लैंक पेज पे कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं। दोनों का पर्पस सेम ही है कि आपने एक ब्लैंक पेज इंसर्ट करना है डॉक्यूमेंट में किसी भी जगह, और आप इन दोनों आइकन्स को यूज करके ब्लैंक पेज क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने यही सीखना था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, इसे अपने फैलोज के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।